नमस्ते गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आज का हमारे न्यू व्लॉग में। अरे स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज की शुरुआत करते हैं गुल्लक में पैसे डालने से, क्योंकि ना देखो सभी कहते हैं सुबह गालियाँ सुनते हैं घर वाले से तो घर पूरा दिन गंदा जाता है, मतलब कि गालियाँ ऐसे वैसे ही चलते हैं। और ऐसे भी कहते हैं सुबह चॉकलेट खाने से गुस्सा कम रहता है और अच्छा दिन जाता है। बट आज हम आजमाएंगे इन 10 रुपये को गुल्लक में डाल के, क्या इनको डालने के बाद पैसे ही पैसे डाले जाते हैं आज गुल्लक में। मतलब कि कहते हैं ना लोग कि सुबह ऐसे करो तो ऐसे अच्छा दिन जाता है। तो आज हम शुरू में पैसे डालेंगे, देखते हैं और कितने पैसे डाल पाते हैं अपना गुल्लक में। तो चलो डालते हैं गाइस। तो ये हमने कर दिया है बंदोबस्त इसका डालने का। ये डल जा भाई साहब, डल जाइए कृपया करके। अरे डल जा भाई, तो चला गया अंदर। तो गाइस गुल्लक में पैसे मोड़ कर, मतलब कि नोट मोड़ कर डालना ज़रूरी है, ताकि अंदर जाने के बाद फोड़ने के बाद ही बाहर आए, क्योंकि ना घर वाले मेरे, मेरा जो भाई है ना, लड़ाई के बाद कुछ नहीं करेगा, वो सीधे गुल्लक पे जाएगा, कहेगा मैं तेरे पैसे निकालूंगा ऐसे वैसे। तो गुल्लक के स्वामी द्वारा ये नियम जनहित में जारी किया जाए कि पैसों को गुल्लक में मोड़ के डाला जाए, ताकि कोई निकाल ना पाए, टूटे जब ही निकले। तो अभी मैंने आपको कुछ देर बताया, पहले बताया था कि मुझे कुछ काम है, उनमें से एक की तरफ तो मैं निकल चुका हूँ ये लेकर। आपको बताऊँ मैं क्या है, स्कूल से रिलेटेड कोई काम है ये, तो मेरे से तो होगा नहीं। तो पापा के एक जानकार अंकल हैं, उन्होंने कह दिया आज ही मैं करवा दूंगा, उन्होंने फ़ोन किया और मैं अभी जा रहा हूँ। भाई साहब भाग के चलते हैं, अगर वो चले गए ना पापा मेरे को कहेंगे, पैसे गलती भी तो मेरी है। लेटर सम टाइम अभी वो काम हुआ तो नहीं है, बट जो कागज़ थे ना जो जमा कराने थे वो मैंने दे दिए हैं। अंकल बोले मैं करवा दूंगा, तू जा घर पर। तो अभी हम निकल चुके हैं घर पर जाने के लिए। उतनी है, इतनी बड़ी दीवार, माउंटेन पर्वत है ये गाइज, तो चलो कूदते हैं। तो अब हमें यहाँ से कूदना होगा माउंटेन एवरेस्ट से, चढ़ तो गया मैं कैसे कैसे करके, तो देखते अभी कूद पाता हूँ या नहीं। ओए भाई साहब, ओए कूद तो गया, अब चलते हैं। बहुत कठिन है यहाँ से निकलना भाई, काटे ही काटे हैं, काटे वाले हैं ये गाइस, ये जो, अरे घरे लग गया लग गया लग गया भाई साहब, क्या है ये, कौन है ये लोग। बस फाइनली निकल चुके हैं हम, बर्फ डाल दी। मैं सोचा गिलास लेके आता हूँ, यही मिला एक छोटा सा टुकड़ा, इससे काम चलाना पड़ रहा है। ले ले यार, क्या करेगा, इस गरीबी आ चुकी है, इसको ही धोखे खाते हैं यार, अब खा लेते हैं। और रे यार ये भी गिर गया, वाह। आज दोबारा छतरी लगाई जा रही है, आज चाचा जी ट्राई कर रहे हैं। ये देखो, ये देखिए, ये देखिए, और तार कहाँ जाता हुआ, अरे आग घट आगे से। ये देखो इसी सेटअप बनाते हुए टीवी का, अरे टीवी मेरे चाचा जी बना रहे हैं टीवी। तो अभी हमने सारी कोशिशें कर ली, दो बार सिग्नल पकड़ा, फिर यार इसको हमने रख जचाना पड़ा तो चला गया, सारी कोशिशें नाकामयाब हमारी। और फिलहाल ये गाइस आराम कर रही है, बाद में देखेंगे, अभी इसे थोड़े नहीं, अभी धूप में आराम कर, थोड़ी आराम कर रही है भाई, इसे भी यार थोड़ा आराम तो चाहिए ना भाई। जब हमने तो छोड़ दिया इसको छेड़ना, अब जो अंकल आएंगे ले लेंगे, उनका जो खर्चा बनेगा 200-250 देंगे, उन्हीं से ही लगवाएंगे, क्योंकि देखो अब हम लगा देंगे फिर ये हिल जाएगी। वो आएंगे अच्छे से, देखो कील काल गाड़ के, मतलब कि नट बोल्ट से बढ़िया से जोड़ के जाएंगे, बट अभी तो यार हम लगाएंगे, पत्थर पत्थर रखेंगे, दोबारा हिलेगी, रोज़ रोज़ का झंझट है, वही लगा जाएंगे ठीक रहेगा। और कोशिशें करते रहो यार, ये तो फिल्मी डायलॉग है गाइस, आप सोच रहे हो कोशिश करो हो जाएगा, ये फिल्मी डायलॉग है यार, इस छतरी के लिए छोड़ो, काफ़ी गर्मी लग रही है, सही नहीं जा रही। अभी खा लेते हैं खाना यार, काफ़ी भूख लग रही है। तो दिक्कत है क्या है आज खाना में, ओहो भिंडी आलू, ये है रोटी। ओ भाई साहब बस दो तो बहुत हैं। और गाइस ये हमारे कपड़े हैं पुराने, जो कि इनका कुछ ऐसे हाल होता है, देखो ऐसे ही चलता है हमारे घर में। एक चीज़ और है गाइस, और ये है एकदम पूरी लाल मिर्च की चटनी, इसका भी स्वाद लिया जाएगा। तो स्टार्ट है अपना नाश्ता, खाएंगे, देखते हैं यार कितनी तीखी है ये, थोड़ी सी लगाएंगे। नहीं यार ठीक ठीक है गाइस। ओ भाई साहब अब पता चल रहा है ठीक ठीक है या नहीं है, ओ आप बुरी हालत खराब, पानी पीता हूँ जल्दी से। ऐसा करता हूँ कि रोटी के साथ इतना ना लगे, इसे रख देते हैं इसकी जगह पर, ताकि ये भी खा सके ना,
अब मेरा तो हो चुका है ना, तो ये भीख खा लेंगे ना भाई साहब। अरे टिक जा, हो चुका। गाइस अभी मैंने अपना खाना डाइनिंग सेट पे रख दिया है, तो ये हमारा कुछ डाइनिंग सेट, इस पर हम खाएंगे गाइस खड़े होके। मतलब कि खड़े वाला है ना ये, कुछ मॉडर्न है, ये मॉडर्न है कुछ ज़्यादा, आगे एडवांस है। तो देखते हैं क्या होता है खाने के बाद। वैसे रोटी के साथ तो कमी मिर्ची लगेगी, तो मिलते खाने के बाद। अरे ऐसे खाने के बाद मिलते, ऐसे कर दिया था मैंने, सॉरी, खाने के बाद मिलते। आज का दिन पूरा ख़राब, 12 बज चुके हैं सुबह से, इधर जा उधर जा भाई, हालत ख़राब हो चुकी है मेरी, सारा दिन धूप में ही जा रहा था मेरा। 12 बज चुके हैं सुबह के, अभी दोबारा गए, अभी मैं दोबारा गया था जहाँ पर मेरे पापा काम करते हैं वहाँ पर, क्योंकि जो कागज़ थे ना वो उनका काम हो चुका था, तो अंकल ने वहाँ पर रख दिया जहाँ पर पापा काम कर रहे हैं, फिर वहाँ से लाने पड़ गए। अभी दोबारा भी जाने, मैंने सुबह आपको बताया था कि दूसरा काम बताऊंगा, और दूसरा काम ही है कि आज मेरी मम्मी जी कोरोना की वो क्या बोलते थे, कोरोना का टीका लगवाने जा रहे हैं। पहले मम्मी क्या बोलते थे कि मैं टीका नहीं लगवाऊंगी क्योंकि उससे मर जाते हैं, और अब क्या बोले, नहीं लगवा लेते नहीं तो अनाज नहीं मिलेगा। सरकार के भी अलग ही रूल है, कभी क्या कभी क्या, अब मम्मी जी को लगवाना पड़ रहा है। कैसा लग रहा आपको? मम्मी जाते हुए वेल डन मम्मी जी, बाय बाय मम्मी, बाय बाय, इधर तो मम्मी, बाय 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 बाय। मुझे तो बहुत पहले डर लगता था कि कोरोना की दवाई लगाने से कई लोगों की नस नस फट जाती है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने न्यूज़ में देखी हो, या मैं यार अपनी तरफ से कैसे बना के बता सकता हूँ, या जिसके लगती थी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी बहुत ज़्यादा दिनों तक। यार मुझे थोड़ा बहुत डर है कि कहीं ऐसा मम्मी के साथ कुछ ना हो, नॉर्मली मम्मी। वैसे लगवाने का कोई फ़ायदा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि देखो एक जने के लगवाने से क्या आएगा, बस मम्मी हम घर में हम सारे भी तो हैं, हमने तो नहीं लगवाई इसलिए लगवाने के ना। देखो सरकार ने नए रूल लागू कर दिए हैं कि अगर तुमने कोरोना की वैक्सीन, अरे जो टीका नहीं लगवाया, तो तुम्हें अनाज नहीं मिलेगा, तो इसलिए मम्मी जी लगवाने जा रहे हैं ताकि हमें अनाज मिले। तो भाई अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लो। और बताओ आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है यार, लाइक आपकी मर्ज़ी से करो, अच्छा लग रहा है तो करो वरना मत करो, और शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना गाइस।